तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने इसके पहले दो पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाके उसे देखो, वरना तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। उन दो पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हो। तो ये है प्रोटोटाइप 1 का गेम प्ले पार्ट 3। पहले के दो पार्ट खेलने में हमें बहुत मज़ा आया था और मैं देख रहा हूँ कि हमारी इस सीरीज़ को सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूँ इसका, तुम लोग ही कमेंट करके बता देना। या फिर मेरे लिए तुम लोग एक चीज़ बस कर सकते हो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना या फिर तुम ही लोग पूरी देखना। तो चलो अब गेम पर वापस आते हैं। तो हम जितना मिशन करते हैं हमें उतने ये ईपी पॉइंट्स बोल सकते हैं उतने मिलते हैं, और हम इधर से ये पावर्स एबिलिटीज़ खरीद सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी तो गेम का असली मज़ा आना चालू हो रहा है। अभी मैं अपने चैनल पर और कोई चीज़ अपलोड कर तो रहा हूँ नहीं, इसी गेम को पहले कंप्लीट करने का मन बन गया है मेरा और मुझे ये गेम खेलने में बहुत मज़ा भी आ रहा है। इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितने पॉइंट्स थे हमने यूज़ कर लिए, अब चलते हैं मिशन की ओर। Find anything? Jesus Christ, don't do that. Sorry. Okay, your apartment? There's nothing left there. Well, it doesn't matter. I've been looking at your laptop. Laptop? Yeah. It came in a package the day after you went AWOL. Look. I've seen that girl before. Well, it makes sense. There are only two names in the file. One is yours. The second is this woman. Elizabeth Green. She's still in isolation at the Genentech building. Do you know who she is? Hey, whoever she is, she knows more than I do. My God. She's just a girl. What kind of fucking monsters are these people? Can't remember. Axiom will sweep to the river. Brimstone will encircle the entire sector and detain anyone moving through the area. I want this contained by daybreak. Sir, there are nearly 100,000 people in the blue zone. I'm not interested in excuses. Get it done. I have a situation I think your team is well suited for, Captain. How long until your men are in place? We're prepped and waiting for orders. We can be wheels up and boots on the ground anywhere in the city in 15. With respect, sir. A suppression operation in a city of 12 million is slightly more than my men can handle. The situation has already evolved, Captain. You're not participating in the containment action. Your team has a single target. Alex Mercer, codenamed Zeus. He's carrying a new strain. He's eliminated 50 of my men and smashed through a 2-foot steel door. You interested? I'm your man, sir. I don't need to tell you what's at stake. तो वो जो बच्ची है उन पर इन लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया था जिससे वो बेचारी मासूम की, खैर मासूम तो नहीं कहना चाहिए, वो मुझे ज़ॉम्बी टाइप अलग ही लग रही थी। तो अभी हम उसे बचाने जा रहे हैं क्योंकि एलेक्स के लैपटॉप में सिर्फ एलेक्स की और उसकी फ़ोटो मिली है। दोनों का चक्कर चल रहा होगा तभी तो दोनों को पकड़ के इन्फेक्टेड कर दिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो उनके बीच अब कुछ मिस्ट्री वगैरह होगी, अब मुझे क्या पता। बस इतना पता है कि वो बेचारी लड़की थी, उन पर इन जाहिल लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था तो हम उसे बचा रहे हैं। तो वो बच्ची इस बिल्डिंग के अंदर है और हमें उसे बचाने के लिए अंदर जाना होगा, वो भी अनडिटेक्टेड। अब मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ विवाद हो जाता है। But I don't think it'll be enough to get me inside. I need someone with rank. Target has escaped. Repeat, target has escaped.
इस मिलिट्री मैन को कंज्यूम करना है ताकि कोई हमें डिटेक्ट ना कर पाए, वरना ऐसे कोर्ट में जाऊंगा तो शक करेंगे लोग। Team 1 dropped comm just after they entered the holding cell area. That's it. Close it off. No one goes in or comes out of the Gentech building. I want it sealed with level 4 protocols. अरे पता कैसे चल गया इनको? अरे अब क्या बोलूं मैं, इधर ही इसको पटक के ऐसे दो चार घुसंड मार रहा था तो हल्ला तो होगा ना थोड़ा। भाई मेरे सामने कोई इंसान इतनी ऊंची छलांग लगा दे ना, मैं उसे तुरंत कह दूंगा भाई ये इंसान नहीं है, मैं उसे इंसान मानूंगा ही नहीं। भाई साइंटिस्ट को पकड़वा दूंगा कि लो चेक करो भाई ये इंसान नहीं है। तो अभी इसे कंज्यूम करना है क्योंकि एलेक्स बोल रहा था अंदर जाने की टिकट यही है। ऐसा क्यों है, क्या है, अब मुझे नहीं मालूम। अबे यार सन की अनकी है क्या, मार रहा है उनको। इसे मारना, अभी उनको एक लात पड़ जाती तो सब पीछे पड़ जाते, वो तो अभी भी पीछे पड़ गए। अभी वापस वही सेम हरकत करके आना है अपना रूप बदल के। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। अंधेरा तो बहुत इधर, लाइट एड लगा लेते थोड़ा, या फिर इधर जाना ही नहीं है। Elizabeth Green. The time for waiting is over. I don't understand. अरे वो जो एलिजाबेथ ग्रीन थी जिससे मैं बच्ची बोल रहा था, वो इसकी मम्मी है और वो अपना ही वेट कर रही थी। वाह मम्मी है तो क्या हुआ, अपने बेटे को इतना तेज लपाड़ा कौन मारता है। एलेक्स दीवार से टकरा गया था। मगर क्यों? Yes, Private, you're guarding a hole in the fucking roof. You've been briefed about what we're up against. We're not secure until these skylights are sealed, so unless you want to pull shit patrol until your mama forgets what you look like, stand your sorry ass right here until you're told to do otherwise. Now move it! Sir! Guys, तुम लोगों को पता है, यहाँ से स्टोरी में एक ट्विस्ट आया। एलिजाबेथ ग्रीन, जैसे मैं बच्ची बोल रहा था, वो इसकी मम्मी है। और उसकी मम्मी इसी का वेट कर रही थी। उसे किसी तरह से पता था कि एलेक्स उसे बचाने आएगा, या फिर उसे लग रहा था कोई ना कोई तो उसे बचाने आएगा। देख के ही समझ आ रहा था कि उसके पास एलेक्स से ज्यादा पावर्स थी, क्योंकि उसने दीवार तोड़ दिया था एक हाथ रख के। शायद वो वायरस एब्जॉर्ब कर सकती है। तो अब आगे स्टोरी में पता चलेगा कि हमें उसे बचाना है या फिर मारना है। खैर ये अपनी मम्मी को तो मार नहीं सकता, पर इसे भी तो कन्फर्म नहीं है कि उसकी मम्मी है कि कौन है। खैर अब वो जो कोई भी हो, हम इसका पता अगले पार्ट में करेंगे। इस वीडियो को मैं छोटी इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने 20 मिनट की वीडियो बना के देख ली, उसमें 3 मिनट तक लोग देखते हैं फिर चले जाते हैं, इसलिए मैं 15 मिनट रखूँगा यार मैक्सिमम, तभी लोग देखेंगे। वैसे भी आजकल की जनरेशन या फिर जेन जी कुछ ज़्यादा ही इंस्टाग्राम और स्नैपचैट चलाने लगे हैं, और मेरी जनरेशन में चलता था यूट्यूब। खैर अब इस टॉपिक को अलग करते हैं वरना भी खिचड़ी बन जाएगी।
वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन जरूर दबाना। तुम लोग वीडियोस मिस कर देते हो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और प्लीज यार, इसकी प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी, तुम लोग हर एक पार्ट देखना, एंजॉय करना, मजे करना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा एडिटिंग करने, बाय। जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना।